अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सालिहा डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कैप्री का बहुत ही यूनिक और लेटेस्ट स्टाइल लेकर आई हूं। इस स्टाइल के साथ साथ मैं आपको कम्प्लीटली कैप्री की कटिंग और स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। कटिंग और स्टिचिंग के सबके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊँ ताकि वो घर बैठे अपने कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग ईजीली कर सकें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कटिंग से पहले मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूं। कैप्री की लेंथ हमने 38.5 इंच रखनी है, हिप का साइज़ हमने 15.5 इंच रखना है, पॉइंचा हमने 6.5 इंच पर तैयार करना है। ये कैप्री पर लगाने के लिए हमने 8 बटन लिए हैं मीडियम साइज़ में। ये देखें, ये हमने कपड़े को लंबाई के रुख पर फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी उरेब निकालेंगे। अब हमने इसकी कन्नी को कटिंग कर लेना है। ये हमने किनारे से कटिंग कर ली है। ये 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ निशान लगा लेंगे। इंची टेप को इस निशान पर रखते हुए हम 38.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। नेफे के लिए हम 2.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब इस निशान से पकड़ते हुए हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। कैप्री की स्पेशल कटिंग होती है जिसे पहने हुए स्मार्ट लुक नज़र आती है, तो इसके लिए इंची टेप को इस तरफ रखते हुए हम 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे। इंची टेप को इस तरह उरेब में रखते हुए निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक ख़त्म करके अब हमने यहाँ से थोड़ी सी गुलाई देनी होती है। इंची टेप को यहाँ इस निशान पर रखते हुए 12.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। यहाँ तक हमने डिज़ाइनिंग करनी है और कैप्री का फ्रंट का पार्ट हमने कम रखना होता है जिससे लुक बहुत अच्छी ठहरती है। तो इसके लिए हम ये देखें, ये 2 लेयर उठानी है और इसको आगे की तरफ कर लेना है 2.5 इंच की दूरी पर। देखें, ये 2.5 इंच की दूरी पर। अब नीचे के पार्ट को उठाते हुए ये देखें, इस पार्ट पे रखते हुए हम आयरन की मदद से फोल्ड कर लेंगे। नेफे के लिए 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे। इंची टेप को यहाँ रखते हुए आसन हमने 15.5 इंच रखना है, तो मैं 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। हिप का साइज हमने 15.5 इंच तैयार करना है, तो मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इंची टेप को इस निशान पर रखते हुए हम 2 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे और यहां से हम हल्की सी गुलाई देंगे। पॉइंचे का साइज हमने 6.5 इंच तैयार करना है, तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये नीचे का पार्ट हमारा कम है, तो हम इस कपड़े को यहां रखेंगे। इस तरह रखते हुए कटिंग कर लेंगे
फ्रंट के पार्ट पर हम इंची टेप को इस तरह रखते हुए डेढ़ इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह तिरछा निशान लगाना होता है यहाँ तक। अब हम ये फ्रंट के पार्ट की दो लेयर को अलग कर लेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। जहाँ हमने ये कट का निशान लगाया था, ये देखें इस स्ट्रिप का साइज करते हुए ये आधे इंच की दूरी पर हमने इस स्ट्रिप की कटिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई हम 6.25 इंच पर रखेंगे। इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह हम यहाँ लगाएंगे और फ्रंट के पार्ट के लिए हमने ये साइज करते हुए आधे इंच की दूरी पर हमने ये चिप्स की कटिंग की है। इसको इस तरह फोल्ड करते हुए हम ये ऊपर से गुलाई कर लेंगे यहाँ से। इसको इस तरह रखते हुए इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेंगे। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। ये बैक के हिस्से पर हमने जोड़ लगाने हैं, तो सबसे पहले हम इस हिस्से को अलग करते हुए ये बैक पर हम जोड़ लगा लेंगे। ऐसे ही अब हम दूसरे हिस्से पे जोड़ लगाएंगे। इसको इस तरह नेल की मदद से सीधा करते हुए हम ये दोनों आसन को जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के आसन को जोड़ लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक के दोनों हिस्सों को इस तरह आपस में टच करते हुए सिलाई लगाएंगे जहां हमने ये कट का निशान लगाया था। यहां से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये एंड में ऐसे ही गुलाई देते हुए हमने यहाँ सिलाई लगानी है। ऐसे ही अब हम दूसरे हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। ये इसकी दूसरी साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। जो इसका फ्रंट का पार्ट जो हमने कम रखा था, ये देखें इसकी फ्रंट साइड पर कपड़े को मोड़ते हुए हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे एक पाँव के फासले पर। ऐसे ही अब हम इसके फ्रंट के दूसरे हिस्से पर कपड़े को इस तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों साइडों पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी इलास्टिक लगाएंगे। ये फ्रंट के पार्ट पर लगाने के लिए मैंने 8.5 इंच की लंबाई पर ये चिप्स की कटिंग की है। इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है और इसका साइज करते हुए हमने ये इलास्टिक को अलग कर लिया है। ये देखें, अगर आप ये राउंड में इलास्टिक लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पट्टी लगाने से स्मार्ट लुक नज़र आती है। अगर आपको इसका साइज करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है तो मैं आपको इसका आसान तरीका बताती चलूं। इसके लिए हम इस पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हम साइज करेंगे। यहाँ से रखते हुए इलास्टिक को 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना होता है लूजिंग के लिए, तो यहाँ पर हम कट कर लेंगे और इससे हमारा साइज परफेक्ट आएगा। इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए हम सेंटर में ये नेल से निशान लगा लेंगे और इसका सेंटर करते हुए जहाँ हमारी सिलाई है
यहाँ रखते हुए इस तरह हम चिपका लेंगे। इलास्टिक को हम इधर रखेंगे और इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए हम यहाँ सिलाई से फिक्स कर लेंगे और फिर हम ये राउंड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस तरह इलास्टिक को खींचते हुए कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखें, दोबारा से हम इलास्टिक को यहाँ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहां से चुनट को बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम यहां किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई को इस तरफ मोड़ते हुए इसके सेंटर में रोकते हुए अब हम यहां सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने कोशिश करनी है यहाँ ज़्यादा चुनट ना आए फ्रंट के पार्ट पर, इससे हमारी लुक सही रहेगी। ये देखें, ये हमने इलास्टिक लगा ली है। स्ट्रिप्स लगाने के लिए हम आयरन की मदद से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरे हिस्से पर भी आयरन की मदद से निशान लगाएंगे। ये देखें, अब हम इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करते हुए इसको फिर डबल फोल्ड करेंगे। ये कैप्री की बैक साइड पर इस पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को यहाँ रखते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई को रोक लिया है। अब हमने फ्रंट के पार्ट पर ये स्ट्रिप लगानी है, तो इंची टेप को यहाँ रखते हुए 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। फ्रंट के पार्ट पर हम ये चिप्स वाली स्ट्रिप लगाएंगे। ये देखें, एक तरफ से इसकी गुलाई है, ये जो सीधी साइड है हम इसको इस तरह ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई को रोक लेना है। अब इसको पलटते हुए हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को यहाँ पक्का कर लेना है। अब हम इसको पलटेंगे और इस पट्टी के साथ फिक्स करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इन दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई के साथ फिक्स कर लेंगे। ये 6.5 इंच का साइज करते हुए ये अब साइड की सिलाई लगानी है, तो ये मैं निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो अपने कैप्री वाला साइज रखते हुए ऊपर निशान लगा सकते हैं।
यहाँ तक सिलाई रोकते हुए अब हम दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। पांचे का इस तरह साइज करते हुए निशान लगाना है। ये साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम खोल लेंगे और ये पांचे के लिए 3 इंच की चौड़ाई पर ये स्ट्रिप की कटिंग की है। इसका साइज करते हुए इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करते हुए आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही अब हम दूसरे हिस्से पर भी ये स्ट्रिप लगा लेंगे। इस स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए हम पांचे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये कैप्री की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, ये हमने काज कराते हुए बटन भी लगा लिए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके अच्छे कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।